सुख गया चेहरा आता है बाबा, इसलिए कहते हैं बहुत ही भारी माता है। सबसे ज्यादा कष्ट किसने सहन किया? भाई लोग भी पिछले जन्म में माताएं रहे होंगे, माया ना स्टाफ ने मत लगाओ कि आपने बहुत दुख सहन किया। बाबा ये सम्मान दे रहा ना कि बाबा हमें स्वर्ग का ये स्मृति रहना चाहिए, वो स्मृति रहना चाहिए, पर आपको तो ऐसे स्मृति रहती है, बहुत दुख लगा है। अरे आज की बात बताऊं कितनी प्रॉब्लम है हमारी घर में, फिर भी मैं आई हूं बैठी में, है कि नहीं? कितनी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी हमें तपस्या करनी है। क्या करनी है? तपस्या करनी है। सबको करनी है? मुस्कुरा कर लो, बहुत अच्छा। सबको अच्छा अनुभव हो रहा है? देखो अनुभव, आपके अनुभव सारे संसार में खुशबू की तरह फैल जाएगी कि इन्होंने ऐसा अनुभव किया, इन्होंने ऐसा अनुभव किया। क्या हुआ माता जी कुर्सी में जो बैठे हैं? बड़ी चिंता हमारे को। देखो घटनाएं तो जीवन में घटेगी, घटेगी नहीं, विनाश तो होगी, होगी नहीं। एक तरफ हम कहते हैं सतयुग आना चाहिए या नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं अरे ये क्यों भूकंप आ गया, ये क्यों बाढ़ आ गई, भगवान क्या कर रहा है, थोड़ा तो रहम कर, भगवान के ऊपर दोष दे देते हैं। हमारे कर्मों का फल हम ही भोग रहे हैं। प्रकृति को बिगाड़ा किसने? हमने या मैंने? अपने ऊपर लो, सबके ऊपर लो। प्रकृति को बिगाड़ा किसने? हाथ लगा, मैं लगा लगा सभी हाथ में भाई। बिगाड़ा किसने? सुधारेगा कौन? मैं सुधारूं। तो बिना सोना जरूरी है या नहीं? जिसने जो कर्म किया उसका फल उसको मिलेगा। आज किसी के सिर पे हीरे की ताज है, आज कोई कंगाल है, कारण क्या है? कारण क्या है? कोई फूलों की मैदान में, फूलों की गार्डन में, और कोई कांटों की राहों में पल पल दुख मिल रहा है, कारण क्या है? कर्मों का फल। मुस्कुरा के बोलो। हाँ, भीष्म जब तीर सज्जा पर सोया था, भीष्म कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछा क्या भगवान का सबसे प्रिय पात्र है, इतना पवित्रता इसमें, भीष्म पितामह, और इनकी जैसा मृत्यु किसी की नहीं हुई। भाई किसी का गला काट दिया, समाप्त हो गया, तीर मारा मर गया, लेकिन ये तीर की सज्जा पर सोए पड़े पड़े कितनी तकलीफ है। लेकिन कृष्ण मुस्कुरा के बोल रहे हैं अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि हमारे जो कर्म की हिसाब किताब अभी चुप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ, तो जो चुप करना है उसको खुशी खुशी से करना है या दुखी होकर करना है? बोला भीष्म ने ऐसे क्या किया था, इस जन्म में तो कुछ किया ही नहीं। बोला पिछले जन्म में जाओ, पिछले जन्म में कुछ नहीं, उसके पिछले जन्म में जाओ। हम बैंक में अगर 1,000 रुपया रखेंगे, ये भारत की प्रथा नियम है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अगले साल बढ़ जाता है। हाँ जी, बढ़ता है ना, और दूसरे साल में 10,000 रुपया बैंक में रखा, 1 साल में बढ़ेगा या नहीं? और दूसरे साल में, 10 साल में, 50 साल में, 100 साल में, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहां ऐसा है, इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो कर्मों के भी ऐसा है, अगर हम पाप करते हैं उसको चुप्त नहीं करते हैं तो वो बढ़ता जाएगा। तो 5-6 जन्म पहले जो भीष्म पितामह राजा थे, अपने सैनिक लेके जंगल में जा रहे थे, सुनाएगा ना? बहुत अच्छा। हाँ,
तो कहने की बात है, जो वो सांप को उठा के उन्होंने झाड़ी में डाल दिया, तो सांप ने उसको जो भी कहावत है, सांप ने उनको सांप दिया कि तुम भी ऐसे कांटे में सड़ सड़ के मरो, बड़े बड़े तकलीफ। तो इसीलिए वो भोगना। कहने की बात है, जो भी उदाहरण मिला है वो हो या नहीं अलग बात है, लेकिन कहने की बात है मेरे जीवन में जो भी घट रहा है या दूसरे के जीवन में जो भी घट रहा है उसका कारण कोई और नहीं है, कौन है?